लें जी, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए 5.5 घंटों में आपका भाई बेस कैंप पहुंच गया है। यहाँ पे बारिश और बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है और बहुत तेज़ और ठंडी हवा चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं बेस कैंप जा रहा हूँ। अभी नाश्ता नहीं किया, टाइम नहीं है, बस मैंने अपना रेन सूट लिया है इन केस अगर बारिश हो जाए, पानी की बोतल ली है और मैं बेस कैंप जा रहा हूँ। रात मैं इस होटल में रुका था, इधर तमाम रूम्स बुक थे, लेकिन फिर ओनर जो थे राजन रईस साहब, उन्होंने कहा यार तुम मेरे रूम में ठहर जाओ, तो उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे इस होटल में ठहराया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात किसी भी होटल में जगह नहीं मिल रही थी, सारे होटल बुक थे, ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो मैं तो खैर राजन रईस साहब के पास ही पहली दफ़ा चला गया, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरा भी होटल पूरा बुकड है, लेकिन तुम जो है ना मेरे वाले कमरे में सो जाओ जिधर मैं सोता हूँ, ओनर्स रूम में। मैंने कहा जी ठीक है, उनकी बड़ी मेहरबानी। अभी वो सारा स्टाफ सोया हुआ था, तो अब ज़ाहिर है मैं उन्हें ये नहीं कह सकता था कि यार मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैंने सुबह जल्दी निकलना, तो इसलिए मैं नाश्ता किए बगैर ही निकल पड़ा। ये आप देखें, ये ग्लेशियर है सारा जो आगे पहाड़ों से आ रहा है। इस वक्त हमारी मंजिल है ब्याल कैंप, ब्याल कैंप से हम जाएंगे नांगा पर्वत व्यू पॉइंट, और नांगा पर्वत व्यू पॉइंट से हम जाएंगे बेस कैंप। ये रास्ते में पहली टच शॉप आई है, मैंने सोचा था जैसे चाय या बिस्किट खा लूँगा, लेकिन ये भी बंद है। अभी ये मैं पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, उधर से मैं आ रहा था तो रास्ते में रुक गया मैं वीडियो बनाने के लिए, तो ये जो भैंसें चल रही हैं ये मेरे पीछे रुक गई खुद ब खुद ही, मैं रास्ते से हटा तो फिर ये भी चल पड़ी। कैसी महजब भैंसें हैं। लें जी, ब्याल कैंप की हदूद में मैं दाखिल हो चुका हूँ। लास्ट ईयर ये ट्रैक मैंने 1 घंटे में किया था और आज मुझे 1.25 घंटा लगा है। ये यहाँ के मनाजिर हैं, अभी यहाँ मैं 5 मिनट रुकूंगा, एहसान साहब से मिलूंगा जिन्होंने लास्ट ईयर मुझे रास्ता दिखाया था ब्याल कैंप का, उनके पास 5 मिनट बैठूंगा और फिर निकलूंगा यहाँ से नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। ये पीछे जो आप होटल देख रहे हैं ये एहसान साहब का है, वो यहाँ पे आज नहीं है, वो नीचे अपनी फैमिली के पास गए हुए हैं। तो बस मैं यहाँ से चाय पी रहा हूँ, बिस्किट खा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। लें जी, मैं ब्याल कैंप से निकल पड़ा, अब हमारी मंजिल है नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। ब्याल कैंप से निकले हुए मुझे 1/2 घंटा हो गया है, तकरीबन आधा रास्ता मैंने क्रॉस कर लिया है, और ये देखें ये व्यू कितना खूबसूरत है, ये वैली बहुत खूबसूरत है ब्याल कैंप वाली। लें जी, मैं व्यू पॉइंट पहुंच गया हूँ। लें जी, यहाँ पे 2 टक शॉप्स हैं, एक वो और एक ये, दोनों ही बंद हैं। ये व्यू पॉइंट है ना, इस व्यू पॉइंट पे जिन लोगों ने बेस कैंप नहीं जाना होता वो यहाँ व्यू पॉइंट तक आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अगर आपने बेस कैंप आगे से जाना है तो आप तो एक उस रास्ते से भी जा सकते हैं जिसको जर्मन पॉइंट कहते हैं, या आप ये सीधा ये जो पहाड़ी पत्थर आप बहुत बड़ी चट्टान आप देख रहे हैं ना, इसके साथ ही ये नीचे रास्ता उतर रहा है और ये सीधा जा रहा है बेस कैंप को। सुबह 6:30 मैं निकला था फेरी मीडो से और मेरा ख्याल था कि मैं 8:30 तक यहाँ पर व्यू पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन 9 बज गए और मैं 1/2 घंटा लेट हूँ, मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है,
क्योंकि टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है। लास्ट ईयर जब मैं इधर आया था तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से मैं जब ये बेस कैंप को रास्ता जा रहा है ना, तो वो जो आपको थोड़ी सी पहाड़ी नज़र आ रही है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ तक पहुँच के फिर मैं वापस चला गया था। तो लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह बेस कैंप तक पहुँचना है। तो 5 मिनट मैंने इधर रेस्ट कर ली है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ब्याल कैंप में जिधर से मैंने चाय पी थी, वो मुझे बता रहे थे कि आपने इस रास्ते पे सीधा चलता रहना है। लास्ट ईयर मैं यहाँ तक आया था। अब देखते हैं बेस कैंप तक पहुँचते हुए कितना टाइम लगता है। बेस कैंप की तरफ जाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता है। रास्ता तो इधर है ही कोई नहीं, ट्रैक भी कोई नहीं, बस जो लोग चलते रहते हैं उससे जो एक रास्ता बन गया वो बन गया, ये आप देख रहे होंगे। और बहुत मुश्किल है, यहाँ पे ज़रा सा आपका पाँव फिसला तो बस फिर आप नीचे गए। और एक वक्त में सिर्फ एक आदमी यहाँ पर चल सकता है। मैं सुबह 6:30 निकला था, उस वक्त से मैंने अपने अलावा तो कोई बंदा नहीं देखा। मेरे ख्याल में मैं अकेला ही हूँ जो बेस कैंप तक जा रहा हूँ। 2-4 लड़के थे, वो सिर्फ ब्याल कैंप तक आए और वो फिर ब्याल कैंप से आगे नहीं गए। मेरा फुल फोकस जो है ना वो ट्रैक पे है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि आपका पाँव ना फिसले। वहाँ नीचे से आपको ऊपर की तरफ आना पड़ता है, और जब आप हाइकिंग करते हुए ऊपर आते हैं तो फिर आपको ये दो रास्ते मिलते हैं। या तो आप यहाँ से जा सकते हैं या आप वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ ऊपर से आप वाटर क्रॉसिंग करते हैं तो उधर से ले कर यहाँ तक कोई रास्ता नहीं है। आपको पत्थर पे से एहतियात एहतियात से पत्थरों को फैलाते हुए आना है, और फिर आप जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर आगे एक वाटर क्रॉसिंग है, ये रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे इन चट्टानों पे ये दो दो पत्थर पड़े हुए हैं। ये बेस कैंप जब फॉरनर्स आते हैं ना, वो यहाँ पर निशानी के तौर पर ये पत्थर रख जाते हैं, जिससे आपको पता चले कि रास्ता यही जा रहा है। वाटर क्रॉसिंग के बाद मैं रास्ता भूल गया था और कहीं और चला गया, लेकिन अब फिर मेरे ख्याल में मैं ट्रैक पे सही आ गया हूँ। नांगा पर्वत बेस कैंप का ट्रैक, बल्कि ट्रैक तो ये है ही नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत ख़तरनाक और रिस्की है। ये यहाँ से ये सारा रास्ता जा रहा है, एक वक्त में एक आदमी चल सकता है। ये वहाँ से होता हुआ वो उस पहाड़ पर, वो जो आप चट्टान देख रहे हैं ना, उसके पास से वहाँ से जा रहा है। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता। मैं वहाँ से आ रहा था तो रास्ता भटक के ना मैं नीचे चला गया, लेकिन उधर कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं थी। फिर अब मैं वहाँ से ये ऊपर आया हूँ, अब हम यहाँ से जाएंगे और फिर वो वाटर क्रॉसिंग के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है।
वो जहाँ पे आपको मैं इशारा कर रहा हूँ ना, वहाँ भी पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, वो जो बड़ी सी रॉक है और उसके साथ हट बनी हुई है, वो व्यू पॉइंट है। वहाँ से इस तरह आप अपना सफ़र शुरू करते हैं, दरमियान में पानी आते हैं, उनको क्रॉस करते हैं, चढ़ाइयाँ हैं, और अभी मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। वहाँ पे आप देख रहे होंगे 2-3 लोग आ रहे हैं। अभी मज़ीद बहुत चढ़ाई है, अभी हमने बहुत आगे जाना है। और ये आप ग्लेशियर्स का व्यू देखें, अभी बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हवा बहुत ठंडी, ग्लेशियर से ठंडी हवा आ रही है। व्यू पॉइंट से निकले हुए मुझे 1 घंटा हो गया, अभी मेरे ख्याल में 1 घंटा और लगेगा। ओहो ओ भाई, अब यहाँ से कैसे जाना है, ये सारा पत्थरों से ये सारा नीचे रास्ता ख़राब हुआ हुआ है, और ये एक पतली सी पगडंडी जा रही है ऊपर को। ये रास्ता अभी तक जो हमने देखा ना, उसमें सबसे रास्ता ये ख़तरनाक है। मैंने उसका कैमरा ऑफ कर दिया था, बड़ी मुश्किल से यहाँ से मैं एक हाथ उन पत्थरों को पकड़ पकड़ के ना यहाँ से आया। हल्का सा स्लिप भी हुआ था, लेकिन शुक्र है मैं पहुँच गया। अभी जो मैं आपको बता रहा था ना कि सबसे ख़तरनाक रास्ता आया, जो पता नहीं किस तरह मैंने मुश्किल से बूर किया, उसके आगे फिर ऐसे 2-3 ख़तरनाक रास्ते आए, जहाँ पे एक पांव रखने की भी जगह बहुत मुश्किल से, और वो रास्ता नीचे की तरफ पहाड़ी पत्थर गिर रहे होते हैं, तो आपने बड़ी मुश्किल से एक पैर उधर रखना है और हाथ अपना पहाड़ के पत्थरों पे रखना है, और इस तरह पकड़ पकड़ के आपने निकलना है। मामूली सी गलती हुई तो आप गए। ये जी, हम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे हम ज़रा रेस्ट कर रहे हैं। ये जो भाई हैं ना, इनका बेस कैंप पे हट है, वहाँ पे अभी हम चलेंगे इनके साथ ही। ये यहाँ के खूबसूरत मनाजर हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी है यहाँ पे। अच्छा, ये दिन का हट है ना, ये बता रहे हैं कि ये जिस जगह पे हम रुक के रेस्ट कर रहे हैं ना, ये बेस कैंप 1 है। यहाँ से अभी हमें मज़ीद आधा पौना घंटा हाइकिंग करनी पड़ेगी, और अगली हाइकिंग बहुत टफ है, बहुत स्टीप चढ़ाई है। जब उसको क्रॉस कर लेंगे तो फिर लास्ट बेस कैंप आएगा, और उसकी निशानी ये है कि वहाँ पे एक टक शॉप है और एक कमरा बना हुआ है रात गुजारने के लिए। लें जी, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। वो जहाँ पर आपको चट्टान नज़र आ रही है, वहाँ पर बैठ के 5 मिनट रेस्ट किए, वहाँ से अब हम फिर ऊपर चढ़ रहे हैं बेस कैंप की तरफ। बहुत मुश्किल चढ़ाई है, सीधा स्टीप चढ़ाई है, बहुत ऊपर आपने सीधा चढ़ते ही जाना, चढ़ते ही जाना। वो देखें, एक भाई साहब जिनका हट है, वो आगे जा रहे हैं सामान लेके। वो उस चट्टान के पास थे, वो इनिशियल बेस कैंप या बेस कैंप 1 कह लें, वहाँ से वो सारी, वो देखें कितना नीचे रह गए। बहुत स्टीप चढ़ाई है जो यहाँ चढ़ते हुए हम आए हैं, और अभी ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, वो इस जगह को हमने क्रॉस करके ऊपर जाना है तो बेस कैंप आएगा, जो लास्ट बेस कैंप होगा। अभी वो पहाड़ के ऊपर जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है ना, वो है बेस कैंप। बारिश हो रही है, अब वहाँ पे पहुँचना। लें जी, हम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। 1-2 मिनट की हाइकिंग के बाद वो जगह जो बेस कैंप है, और ये हम इतनी वो जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं ना, वहाँ से हम हाइकिंग करते हुए आ रहे हैं। वो जो भाई हैं ना, वो अंग्रेज़ों के साथ गाइड हैं, हंजा से उनका ताल्लुक है। ये जा रहे हैं अंग्रेज़ भाई, इनको वो गाइड लेके आया, वो कह रहा मेरे साल में इधर 8-10 चक्कर लगते हैं। तभी मैंने कहा यार, आप हमेशा तेज़ी से मुझे काट के आगे निकल जाते हो। अभी नीचे से वो और 2-3 लोग आ रहे हैं। लें जी, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए 5.5 घंटों में आपका भाई बेस कैंप पहुंच गया है। यहाँ पे बारिश और बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई है, और बहुत तेज़ और ठंडी हवा चल रही है। ये कोई यहाँ पे लिखा हुआ है काल ऑन ट्रिक्चर
कोई मेरे ख्याल में जर्मन नाम लगता है। ये बंदा 15 जुलाई 2008 को यहाँ पे आया था नांगा पर बसर करने, और इसकी डेथ हो गई 2008 के बाद। फिर कभी किसी ने ये रूट नहीं इस्तेमाल किया, सारे रूपल फेस से जाते हैं। मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ठंड है, बर्फ़बारी हो रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से। सारा रास्ता मैं अकेला आया हूँ, लेकिन अब यहाँ पे दो अंग्रेज़ कपल भी आ गए हैं और उनके साथ दो गाइड्स भी हैं। इन सब लोगों ने फैसला किया है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जिस रास्ते से हम आए हैं वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है, और इस वजह से वो और भी ख़तरनाक हो गया है, क्योंकि कोई भी स्लिप होके गिर सकता है। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि बारिश और बर्फ़बारी रुकने का इंतज़ार करते हैं और वापसी जर्मन पॉइंट वाले रास्ते से करते हैं। मुझे भी ये लोग कह रहे हैं कि तुम अकेले हो तो रिस्क ना लो और वापसी पर हमारे साथ चलो। अब मुझे जर्मन पॉइंट वाले रास्ते का तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं, लेकिन अब मैं वापसी पर इनके साथ ही निकलूँगा। एक घंटा हो गया हमें इंतज़ार करते हुए, मौसम मज़ीद ख़राब होता जा रहा है और बेहतरी के कोई आसार नहीं है। यहाँ पे मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया है, रेन सूट मैंने पहन लिया है, बर्फ़बारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, और कोई चांस नहीं कि मौसम ठीक हो। ये हमारे भाई हैं जो यहाँ पे हट रन करते हैं। अच्छा अब आप बताएँ कि किधर आप बता रहे थे, नांगा पर्वत? ये सामने नांगा पर्वत है, लेकिन बादलों में छुपा हुआ है। बादलों में छुपा हुआ है, ये नांगा पर्वत है, और इसके बिल्कुल दरमियान में नीचे और कैंप वन है। पहले कैंप वन आता है, फिर कैंप टू, फिर कैंप थ्री, कैंप फोर, और पीक अभी बहुत ऊपर है ना इसके, बहुत ऊपर है लेकिन नजर नहीं आ रहा। हाँ नजर नहीं आ रही बादलों की वजह से। और ये जो नीचे ग्लेशियर आ रहा है, ये रायकोट में से आ रहा है, रायकोट पीक का ये ग्लेशियर है जो उधर तक जाता है, फेरी मिडोस तक जाता है। ठीक है जी, ले जी निकले हम, सारे लोग निकल रहे हैं। वो जो आप हट देख रहे हैं ना ऊंचाई पे, वो बेस कैंप है, उधर से हम यहाँ से आए हैं। ये हमने जाते हुए एक और रास्ता लिया जर्मन पॉइंट वाला, क्योंकि गाइड्स के मुताबिक जो फॉरनर्स के साथ गाइड है ना, उसने कहा वो जो जिस रास्ते से हम आए हैं ना वो अब बारिश की वजह से ख़तरनाक हो गया। व्यू पॉइंट का सारा रास्ता मैं आपको दिखाता आया हूँ, आप यकीन जाने वो कुछ भी ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक ये जर्मन पॉइंट है, इंतहाई ख़तरनाक है। बहुत मुश्किल से मैं चल रहा हूँ, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जहाँ पर चट्टानों पर पत्थर रखे होते हैं उनको देख लेता हूँ, वो बेस कैंप है, वहाँ से ये सारा पहाड़, ये नीचे से खाइयाँ क्रॉस करते हुए चढ़ाई करता हुआ मैं ऊपर पहुँचा हूँ। और अभी मेरे ख्याल में वो जो नीचे पानी आ रहा है ना नज़र, वहाँ तक जाना है, क्योंकि वहाँ तक मुझे रॉक्स नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर पत्थर हैं। बेस कैंप से निकले हुए मुझे 1.5 घंटा हो गया, और यहाँ पर अब बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है, बारिश स्टार्ट हो गई है। वहाँ से ये सारे पहाड़, चट्टाने और पानी क्रॉस करता हुआ आया हूँ मैं। अभी इस रास्ते से मैंने जाना है, क्योंकि यहाँ पे ना पैदल चलने वालों के लिए ये कदमों के निशान हैं यहाँ पे, तो मैं अब यहाँ से जाऊँगा। आपने वो मुहावरा सुना होगा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आप यकीन करें, जब वो सारे मुझे छोड़ के चले गए, सिर्फ पहले 15-20 मिनट ही मुझे नज़र आए, ना मुझे कोई रास्ता पता था, बस अल्लाह मुझे लेके आया है। माँ बाप की दुआएं, अल्लाह की मेहरबानी, पता नहीं मैं वो कैसे सारा रास्ता बूर करके आया हूँ। और अब आप वहाँ पे देख रहे होंगे वो जो वादी नज़र आ रही है ना, वो ब्याल कैंप है। रास्ता मुझे अभी भी नहीं आता, लेकिन इतना मुझे पता चल गया कि उस डायरेक्शन में मैंने जाना है। और वैसे तो इस वक्त आप ये व्यूज़ चेक करें, बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। ले जी मैं जर्मन पॉइंट से नीचे उतर आया हूँ, टॉप पे जर्मन पॉइंट है, वहाँ से उतर आया हूँ। ये एक नीचे जगह बनी हुई है, सामने ये जो आपको बड़ी चट्टान नज़र आ रही है, ये नांगा पर्वत व्यू पॉइंट है। अब उधर चल के 5 मिनट रेस्ट करूँगा, फिर आगे ब्याल कैंप जाऊँगा। व्यू पॉइंट से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है रायकोट ग्लेशियर का, और यहाँ से आपको नांगा पर्वत का भी बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है,
लेकिन आज मौसम ख़राब है तो बादलों की वजह से आज पहाड़ सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। नहीं जी, मैं ब्याल कैंप पहुंच गया हूँ और अब यहाँ पे मैं 5 मिनट रुकूँगा, चाय शाय पीऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं फेरी मीडल्स जाऊँगा। ब्याल कैंप से निकला हूँ तो 1 घंटा मुसलसल बारिश होती रही है, तो फिर बारिश में ही चलता रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल में फेरी मेडोज पहुँचते पहुँचते कोई आधा घंटा लग जाएगा हमें। और ये जी आपको सामने रायकोट ग्लेशियर नज़र आ रहा होगा। जब आप फेरी मेडोज से हाइकिंग स्टार्ट करेंगे और बेस कैंप तक जाएंगे तो ये साथ साथ आपके चलता जाएगा। वहाँ से देखें ये पानी निकल रहा है और बहुत ज़्यादा शोर है पानी का। लें जी, मैं फेरी मेडोज पहुंच गया हूँ। ये यहाँ के मनाजर हैं। सुबह 6:30 बजे मैं निकला था और अभी शाम को 5:30 बजे मैं वापस आया हूँ, और घड़ी मैंने देखी है तो मैं आज कोई 37,000 स्टेप्स चला हूँ। तो और ये सारी 11 घंटे मैंने हाइकिंग की है। तो आज का दिन बहुत टफ था। जो बेस कैंप से वापसी पे जर्मन पॉइंट वाला रास्ता था बहुत ख़तरनाक है, आप कभी भी ना जाएं उधर से, ना ही उधर से जाएं, ना ही उधर से वापस आएं। चाहे गाइड भी हो आप उसके साथ, कभी भी ना उधर से जाएं, व्यू पॉइंट वाले रास्ते से जाएं, उधर से ही आ जाएं। व्यू पॉइंट वाला रास्ता जितना ख़तरनाक है, जर्मन पॉइंट वाला रास्ता उससे 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। आज मैं 3 दफ़ा गिरा हूँ पहाड़ से, वो पत्थर स्लिप हो जाते थे तो मैं 3 दफ़ा नीचे गिरा हूँ, और कोई 6-6 फुट मैं नीचे जा के गिरा हूँ। तो वो तो शुक्र है, कभी हाथ में कोई चट्टान आ जाती थी, कहीं ना कहीं कोई ऐसा जुगाड़ लग जाता था कि मैं अपने आप को रोक लेता था, बस तुक्का ही था। तो वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक जगह तो इतनी ख़तरनाक आई, उधर से मैं गिरा नहीं, लेकिन अगर उधर से मैं गिर जाता तो मेरे लेफ़्ट साइड पे ग्लेशियर था, उसकी गहराई में गिरना था, और अगर मैं राइट साइड पर गिरता तो पहाड़ से मैंने नीचे गिर जाना था, यानी दोनों तरफ खाई थी। तो वो जगह फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो क्रॉस की है। और सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। सुबह 6:30 जब मैं यहाँ से निकला हूँ तो सारा स्टाफ सोया हुआ था, तो मैंने ब्याल कैंप से जा कर चाय बिस्किट लिए, उसके बाद मैं बेस कैंप पहुँच के उधर चाय बिस्किट लिए, और फिर वापसी पे ब्याल कैंप में बिस्किट खाए, चाय तो उधर थी नहीं। अब मैंने फेरी मेडोज़ पहुँच के खाने का ऑर्डर दिया, अब खाना खाता हूँ और मैं सो जाऊँगा। और सुबह मेरा इरादा ये है कि यहाँ से 6:30 निकलूँ और तातू पहुंच के वहाँ से फिर कोई जीप लूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीस एंड हैप्पीनेस।